अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाई जियो। जलन बुझी शीतल होए मनवा, सतगुर का दर्शन पाई जियो। गुरु की हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु साध संग जी, आओ सब तो पहला फतेह की सांझ पाईए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप समूह साध संगतां, जो नौजवान सेप दल वालों धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के 552वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित, जो इन्हां गुरमुखां वालों हर साल उपराला किया जाता है कि एक समागम जिहड़ा है उस साल दे विच इत्थे किया जाता है। कोविड करके तकरीबन 2 साल ये समागम नहीं हुए, मालक ने कृपा की फिर आप संगतां दे सहयोग दे नाल अज दा समागम जो अमृत वेले तो रमता हुई, जिस विच आप जी गुरबाणी कीर्तन ते ढाडी वारा आप जी सरवण कर रहे हो। मैं बेनती करांगा संगतां नूं, क्योंकि साडे पास विशेष तौर पर दरबार साहब तो गुरु के कीर्तनीए पहुंचे ने, थोड़ा जिहा टका बनाण दी कोशिश कर ली। देखो आपां गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे ते अज आपां आनंद कार्ज की गल कर रहे हैं कि इन्हां बच्चों के आनंद कार्ज हो रहे ने। भाई साहब जी ने कहा कि 2 मिनट आप जी ने जरूर सांझ पाउणी है। मैं बेनती करा कि जिहो जिहा खंडाओ है साडा दुनिया के अंदर, यह जिहड़ी रीत है ना हर धर्म च निभाई जाती है, वो चाहे किसी ने इहनूं मैरिज किया, किसी ने ब्याह किया, किसी ने शादी किया, पर जदों तुसीं गुरु की हजूरी अंदर आओगे ना इहनूं मैरिज किया जाता, ना ब्याह किया जाता, ना शादी किया जाता। की किया जाता जी? आनंद कार्ज। ते आनंद का मतलब है टिकाऊ। एक गल मैं बेनती होर करा, आनंद का दुनिया के अंदर हर शब्द का विपरीत शब्द मिलेगा, पर आनंद का विपरीत शब्द नहीं मिलेगा। आनंद एक हो जा टिकाऊ। ते मैं बेनती करा अज गृहस्थ जीवन का, सानू धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके सानू यह उपदेश किया गया कि जिहड़ा गृहस्थ जीवन है इहदे बारे गुरु महाराज ने कल्ला उपदेश ही नहीं किया, खुद गृहस्थ नूं धारण किया है। पर मैं बेनती करा अज जिहड़ी हालात ने, वो भावें असीं गुरु नानक दे सेवक हैं, चाहे गुरु नानक दी सिख फलवाड़ी है, अज साडे अंदर भी उही प्रभाव है जो दूसरे अंदर प्रभाव सी। क्योंकि उदों संसार दे अंदर गृहस्थ नूं दुखां दा घर समझा जांदा सी, बाबे नानक ने कहा नहीं, गृहस्थ दुखां दा घर नहीं, गृह दा मतलब है संसार, सत का मतलब है परमेश्वर। ग्रस्त का मतलब भी है कि जिथे दो शरीर का मिलाप नहीं, दो जीवात्मा का मिलाप है, जिथे दोनों का प्यार एक, विश्वास एक, भरोसा एक होगा, तो फिर दाते ने कहा तुहाडे ग्रस्त च कभी फर्क नहीं होगा। हुण अज फर्क क्यों है? देखो सानू बाबे नानक ने यह उपदेश दृढ़ कराया है कि ग्रस्त दुनिया के अंदर जो सब तो उच्चा धर्म है तो वह ग्रस्त धर्म है। मैं भाई गुरदास जी की पूरी बार नहीं पढ़ी, भाई गुरदास जी ने लिखा है, कह लगे संसार दे अंदर जे सब तो उच्चा धर्म है तो वह गृहस्थ धर्म। उन्होंने कहा जैसे सर सकता वेखे समुंद बडो मेर सुमेर में, मेर में सुमेर बडो। कह लगे दुनिया के अंदर सब कुछ उच्चा होगा, पर मैं इहदा पूरा जिक्र नहीं करना, आखिर दियां पंक्तियां मैं जिक्र करांगा। भाई गुरदास जी कह लगे ज्ञानण मैं ज्ञान, अर ध्यानण मैं ध्यान, गुर सर्व धर्म में गृहस्थ प्रधान है। जे सारे तो उच्चा है तो दुनिया के अंदर है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन क्यों उच्चा है? क्योंकि दोनों का जदों आप इतने आनंद कार्ज किए जाते हैं तो दोनों ने असी पता कि अज समा की है कि पहला साल तो तैयारियां होंगे, असी कपड़ियां मैच कर ले, असी कहने एकड़ा सूट तू पाना, एकड़ा तू पाना, एकड़ी पग मिलानी है, एकड़ी चुन्नी मिलानी। अज तक आप गृहस्थ के विच यही कुछ मिलाई गई, पर मैं बेनती करनी चाहूंगा असी धियां पुत्रां वाले हाँ कि भलिओ कपड़े ना मिलाओ, जायदादा नूं ना मिलाओ, जे मिलाना है तो उन्हां दी जीवन जाच नूं मिलाओ। उन्हां दा जीवन किहो जिहा है, उहदे अंदर गुरमुख दे गुण किहो जिहे ने, उस धी अंदर गुरमुख दे गुण किहो जिहे ने, जे मिलाउणे ते इन्हां गुणां नूं मिलाओ। आपां अज तक मिलाई जा रहे हां, उन्हां दी जमीन किन्नी है, उन्हां दी जायदाद किन्नी है, उन्हां दीआं कोठियां किन्नीआं, गड्डियां किन्नीआं, अज तक साडे गृहस्थ अंदर जे फर्क पिया है उहदा इक्को इक कारण है, धी वाले ने दित्ता की ते मुड़े वाले लैके की आए।
अज ग्रस्त इहदा ना नहीं सी, ग्रस्त दा ओ परम सीमा सी जिन्हें संसार च रह के उस प्यारे दे घर तक दा मिलाप करना। यह साडा जीवन इथों नहीं चलिया कि असी कहांगे अज असी ग्रहत च आए, नहीं। भगत कबीर जी का शब्द पढ़ो, कबीर जी कहन लगे कबीर ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम गर्भ जोन होए आए। ते मैं एक बेनती करनी चाहूंगा, साडा ग्रस्त इहो जिहा परमेश्वर ने बनाया कि जेड़ा रब दे घर तक लैके जाएगा। इत्थे मैं बेनती करा भगत कबीर शेख फरीद जी, तुसीं सारे बचन सुन, शेख फरीद जी ने कहा सुहागण किहो जी होवे ते जेड़ा गुरमुख किहो जिहा होवे। उन्होंने देखो सानूं जीवन जात सिखाई, कल्ले कपड़े पहन दे नाल चिन्ह नहीं सुहागण ते कंत दे। उन्हें कहा सुहागण किहो जी होवे ते उन्हें कहा सुहागण का क्या चिन्ह है, अंदर सच मुख उजला खसमै माहे समाए। कहन लगे तेरे चेहरे ते लाली होवे रब दे नाम, तेरे अंदर रब नाल प्यार होवे। ते जदों तेरा इहो जिहा प्यार होवेगा ना, तेनूं फिर दुनिया दी लालियां दी लोड़ नहीं। फिर दाते ने कहा ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना होवे, ऐन सलागा भाओ। कहन लिया इहो जिहा रंग चढ़ेगा जिहड़ा रंग कदी नहीं उतरेगा। फिर दूसरा बचन क्या है, कहन लगे जे तू कंत कहाउणा है ते कंत किहो जिहा होवे। कंत इहो जिहा नहीं होवे कि मूंह ते प्यार करे ते दिलों कुछ होर होवे। गुरबाणी क्या दिलों मुहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। कह लगे जे कंत कहाउणा ना ते कंत इहो जिहा होवे जिहड़ा जवान तो भी प्यार करे ते हिरदे चो भी प्यार करे। कला जवान तो प्यार करे ते हिरदे चो प्यार ना करे, मूंह का प्यार दिखाए। कह लगे कंत कहाउण का हकदार नहीं। कंत किहो जिहा होवे जिन्हों पातशाह जी शेख फरीद जी ने बचन कहा। कह लगे साडा प्यार किवें बने, कवण सु अखर कवण गुण, कवण सु मणिया मंत, कवण सु वेसो हाउ करी जित बस आवे कंत। मैं बेनती करा साडे बहुतार दे विच खड़े होके कली लड़की नू शिक्षा देणगे, धीए तू पति वरता रही, धीए तू ऐ सेवा करी, तू ऐ कुछ करी। मैं बेनती करनी चाहगा दोनों नू सिक्ख्या होंदी, कली लड़की नू नहीं। जे स्त्री पति वरता है ते मदर जेड़ा मर्द है ना वह भी स्त्री वरता होना चाहिए। कली स्त्री पति वरता नहीं होनी चाहिए, कला जेड़ा मर्द है ना वह भी पति स्त्री वरता हो, साडा जिंदगी दा प्यार साडा भरोसा एक होगा, साडा विश्वास एक होगा कि साडा दोनों दा जीवन किवें प्यार वाला बने। शेख फरीद जी ने कहा केड़े गुण धारण करा, जवान तो केड़े बोल बोला ते केड़ा प्यार बनावा जेड़ा साडा ग्रस्त जीवन च प्यार बना। फिर अगला बचन जवाब दिता उन्होंने, पहली गल निवण सु अखर, पहली गल साडे अंदर निम्रता धारण कर। हुण निम्रता तो है ही नहीं, जे कुड़ी लड़के वाले दे घर चली गई उहनूं कुछ काम ना आया ना ते घर दे ने परगड़ा तेनूं किसे ने कुछ सिखाया नहीं, जे तेरा तेनूं करने नहीं आउंदा, नहीं भाई वह अपना परिवार छड़ के तुहाडे घर आई है ते जे उहनूं नहीं आया तो तुसीं सिखा दो। तुसीं कहो धीए कोई गल नहीं, जे तेनूं उत्थे नहीं आया तो असीं तेनूं सिखा देने। मैं कहना ग्रस्त च प्यार बन जाएगा। पहली गल निम्रता धारण करनी, निवण सु अखर। पहली गल कि जे एक कोलों कुछ गलती हो जाए तो दूसरा कहे कोई गल नहीं मैं तेनूं दस देगा, झगड़ा खत्म। दूसरी गल खवण गुण, खवण का अर्थ है दूसरे नूं माफ कर देना। ते तीसरा बचन कहा जे वाह मणिया मंत, इस जवान दे उत्तर निम्रता का मंत्र, दूसरे नूं माफ करन दा मंत्र ते रब दा नाम दा मंत्र धारण कर लो। जे आपां दोनों धारण करिए, कली स्त्री नूं नहीं, कली दोनों नूं जे मंत्र धारण हो गया। फिर दाते ने कहा ए त्रै भैणे बेस कर तां बस आवी कंत। कहण लगे जे इहड़ा बेस धारण कर लगे साडे गृहस्थ जीवन च कदी फर्क नहीं होगा। मैं इसे करके बेनती करनी चाहगा, पहला समयां च अदालतां च कचहरियां च किसी दे जमीनां दे झगड़े सी, लड़ाई दे झगड़े सी। मैं गुरु की हजूरी च खड़ा अज 90% साडे गृहस्थियां दे झगड़े उत्थे चलदे। इह क्यों? क्योंकि साडा गृहस्थ दा रब ने कहा इस रब दे घर तक दा प्यार लाउंदा है, पर अज साडे च फर्क क्यों? मैं बेनती हथ जोड़ के अज फिर करनी चाहुंदा हां कि भलिओ चीजां मैच ना करिओ, धन दौलत नूं मैच ना करिओ, जे मैच करना उहनां दे जीवन नूं मैच करो। उन्हां कोल गुरसिखी दे गुण किन्ने ने, वह नितनेम करता है, वह बाणी पढ़ती है। तो मैं कल बच्चे नूं पुछदा मैं पुत्र शामा पईआं रहरस करदे आ, कहिंदे नहीं जी, कित्थों साडे घर प्यार बनेगा। नहीं भाई, अमृत वेला होया दोनों उठ के नितनेम करनगे, शामा पईआं सोह दा रस दी बाणी नाल जुड़नगे। मैं गुरु की हजूरी च खड़ा, साडे गृहस्थ जीवन च कदी फर्क नहीं होगा।
फर्क उदों जलो असी ग्रिहस्त नूं चीजां अवस्था नाल तोलदे आं। आओ गुरु कृपा करे साडा ग्रिहस्त चढ़न दी कला च चले। असी बेनती करनी चाहुंदे आं, इस करके पहला असी मां बाप प्यार बनाईए, फिर धीआं पुत्रां दा प्यार बनाईए, ते साडा उह जिहड़ा घर है फिर उह घर नहीं फिर रब दा घर बन जाए। वह घर भावें माड़ा ही होवे, फिर दाते ने कहा भली सुहाई छापरी जा मैं गुण गाए कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराए। वह घर टुटिया भी चंगा जिहड़े घर च रब दे गुण गाए जाते, जिहड़े घर च प्यार होवे। सो आओ, मैं बहुता समा नहीं लैना, बेनती करनी चाहगा कि आप जी ने बड़ा टिकाव बनाने की कोशिश की है, इसे तरह आप जी ने टिकाव बना के रखना है। भाई साहब जी दरबार साहब तो आए ने, गुरु रामदास की गोद बैठ के वह कीर्ति करते हैं। अज वो आप जी सरवण कराउणगे, हुण आनंद कार्ज का जिहड़ा वो रमता होनी है, उस तो भाई साहब जी दसणगे। नाल दी नाल छोटी अरदास होवेगी जिस विच बच्चे बच्चियां ते उन्हां दे मां बाप खड़े होणगे, बाकी संगत इसे तरह बैठी रहना है। फिर हुक्मनामा लिया जाएगा, फिर चार लामां दा पाठ होगा, वो आप जी ने इसे तरह नाल नाल आप जी नूं उस तो दस्या जाएगा। आओ हुण गुरबाणी कीर्तन दे नाल जुड़ना करिए, इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनी है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।